नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। जैसे कि आप सभी को पता है, कल आपका आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो है टायर वन का एग्जाम था, ऑफलाइन मोड में जो है आपका एग्जाम लिया गया था। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उसी की जो है कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा। कट ऑफ तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। कुछ रीजन्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आपका जो एग्जाम का मोड था वो यहां पर ऑफलाइन था। ऑफलाइन मोड में जो आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। उसके साथ ही मैं आपको बताता हूं, आपका जो लेवल था एग्जाम का वो यहां पर इजी मॉडरेट था, यानी कई कैंडिडेट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इजी था और कई के लिए जो है यहाँ पर मॉडरेट जो है बताया जा रहा है। तो ओवरऑल हम मान के चलें तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो यहाँ पर मॉडरेट है। उसके साथ ही दोस्तों जो अटेंडेंस है जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों, कैंडिडेट्स ने बताया है कि जो उनका एग्ज़ाम हुआ था जिस पर्टिकुलर सेंटर पर, उस पर जो उनका रूम है उसमें लगभग जो है यहाँ पर अगर 30 बच्चों की सीटिंग दी तो केवल जो है 10 से 15 कैंडिडेट्स ही जो है अवेलेबल थे, कई में ज़्यादा भी थे। लेकिन एवरेज हम जो अटेंडेंस माने तो यहाँ पर 50 से 60% जो है आपकी अटेंडेंस रही है। उसके बाद आपको पता होगा कि जो आपकी पोस्ट थी वो यहाँ पर जोन वाइज जो है बांटी गई थी, यानी पूरी ओवरऑल जो पोस्ट थी वो यहाँ पर बांटी गई थी। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर में ही सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट थी। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर में जो है आपके लिए फॉर्म डाला हुआ, यानी आईबी के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर में डाले गए थे, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर हिंदी थी। उसके बाद यहाँ पर ये टायर वन का ये एग्जाम था दोस्तों। इसके बाद आपके दो टायर और होने हैं, एक यानी दो टायर आपके जो है और होंगे दोस्तों। टायर वन में यहाँ पर जो है जितनी वैकेंसीज हैं उसकी यहाँ पर जो है 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, यानी वैकेंसीज का अनुमान मैं आपको बता देता हूँ तो 10,500 के लगभग यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वो यहाँ पर 10,500 के लगभग जो है कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। टायर टू में जो है इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो यहाँ से भी कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की, तो यहाँ पर आप कट ऑफ जो है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जो कट ऑफ मैंने आपके लिए बनाई है वो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 70 नंबर, उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 66 मार्क्स, उसके बाद एससी एसटी के लिए 60, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए केवल 50 या फिर इससे कम जो है कट ऑफ जा सकती है। इसमें दोस्तों आप प्लस माइनस जो है 5 नंबर कर लीजिए, क्योंकि एक्यूरेट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता है। मैं बता दूं आपको 75 मार्क्स जाएगी, लेकिन उससे कम गई तो आप मुझे कहोगे। लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ है इसके नियर बाय ही जो है रह सकती है। ये कट ऑफ मैंने इसीलिए बनाई दोस्तों, दो जो है मुख्य कारण है। एक तो जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके जो है अटेंडेंस यहां पर लगभग 50 से 60% रही है। उसके साथ ही दोस्तों जो यहां पर आपकी जो टायर टू होने वाला है उसमें यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है वैकेंसीज के बुलाया जाएगा टायर टू में। उसके बाद यहाँ पर टायर थ्री भी होने वाला है, तो कट ऑफ आपकी जो है जनरल कैंडिडेट्स की लगभग 70 मार्क्स जो है रह सकती है टायर वन के लिए। उसके बाद जो ओबीसी के हैं उनके 66, 66, एससी एसटी की 60 और एक्स सर्विसमैन की 50 या फिर इससे कम ही जो है कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टायर टू और टायर थ्री होने वाला है जिनकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पर टायर वन की आपकी जो है कट ऑफ इतनी जाएगी, अगर आपके इतने मार्क्स हैं इसके नियर बाय भी अगर आपके मार्क्स है तो आप सोच सकते हैं कि आपको जो है टायर टू का कॉल लेटर आएगा। तो दोस्तों आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए, ये मेरी पर्सनल राय है। आप जो है इसे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा, साथ ही साथ आप अपने थॉट्स भी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ ही इस वीडियो को जितना उसके दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी जो है अपनी राय दे पाए और एक्यूरेट जो है हम आपके लिए कट ऑफ बना पाए। तो जितना उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जिसने जिन ने जो है यहां पर अभी तक अपने मार्क्स जो है कमेंट में नहीं बताएं, तो जरूर से अपने मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग को मिलाकर यानी ओवरऑल अपने मार्क्स जो है डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे दोस्तों काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को हेल्प मिलेगी। ऑनेस्टली अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसके बगल में घंटे का आइकन भी दिखेगा, उसे दबा लीजिए ताकि जैसे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।